गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल दे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है दो तरह से होता है, एक होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसके बारे में पहले से भी हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ चुके हैं कहाँ पे, रेजिस्टेंसेस में। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस में हमने पढ़ा था ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात करते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बात करें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान कहाँ क्या होती है बेटा, याद करो। जैसे हमने रेजिस्टर में पढ़ा था तो क्या होता था, करंट सेम होता था कि नहीं बेटा? तो यहाँ पर भी अब ये बात आपको पता है कि दो कैप्चर अगर आपके सीरीज में है, क्या बेटा? सीरीज में। जैसे ये आपके, मैंने कह दिया इसका कैप्चर है C1, इसका क्या है C2। तो क्या होता है बेटा, इन दोनों में चार्ज क्या होगा बेटा, सेम होगा कि अलग अलग? चार्ज सेम होगा। क्या होगा? चार्ज सेम होगा। तो जो इनका इक्विवेलेंट होता है, अब बहुत प्रूफ नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, तो क्या होता है बेटा, कैप्चर को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं? तो इनका उल्टा करके जोड़ता है। समझो जो काम रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है, वो काम कैप्चर में सीरीज में होता है। तो इनका जो इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2। मतलब कैप्चर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उल्टा करके जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बेटा? उल्टा। ठीक है बेटा, बाकी प्रूफ बहुत आसान है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनको हम अब प्रूफ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। ठीक है, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है हम लोग का? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं इनके बारे में। हम लोग पहले ही करंट स्टडी में पहले से पढ़ चुके हैं बेटा बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते। तो इसमें क्या होता है बेटा, पोटेंशियल आपका अलग अलग होता है और चार्ज क्या होता है बेटा, सेम होता है। क्या होता है? सेम। यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कह दिया हमारे पास मान लो दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2। तो ये किस में बेटा, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। किस में बेटा? पैरेलल में। तो अगर हमने बोला इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है बेटा, इनका जो इक्विवेलेंट है, एक आपका कैपेसिटर है जिसे हमने नाम दिया सी इक्विवेलेंट। क्या बोला बेटा? सी इक्विवेलेंट। तो क्या होगा बेटा, जो पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं? डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, तो ध्यान रखना जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी बेटा C1 + C2। इसका मतलब सिंपल सी बात, ध्यान क्या रखनी है कि जो सीरीज होता है, सीरीज में जो कैप्चर होते हैं डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं? उल्टा करके जोड़ते हैं। और जो पैरेलल में होता है कैप्चर को डायरेक्ट जोड़ते हैं। सेम जो आपने रजिस्टर में पढ़ा है, रजिस्टर का जस्ट उल्टा। रजिस्टर में याद है सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते थे और पैरेलल में क्या करते थे? उल्टा करके जोड़ते थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा, यहाँ सीरीज में क्या करेंगे? उल्टा करके जोड़ेंगे और पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक, तो आपको यहाँ बात समझ में आ रही है कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, फिर वो बातें पुरानी रिकॉल कर लेते हैं। सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग, लेकिन चार्ज क्या होगा बेटा? सेम होगा। और पैरेलल में क्या होगा बेटा, चार्ज अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। क्या सेम वही बात है जो पहले बोला था? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल नहीं रहे बात कि इसमें चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और चार्ज अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, जैसे यहाँ से क्यू चार्ज गया तो इधर क्या होगा, इधर क्यू वन आ जाएगा, इधर क्यू टू चार्ज है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखो, अगर मैंने बोला वी है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, सब में क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो फटाक से जाना, तो जो कैपेसिटर्स होते हैं बेटा, उनके कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में जो कैप्चर होता है डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं बेटा? उल्टा करके जोड़ते हैं। और पैरेलल में जो होता है, वो कैप्चर को क्या करते हैं बेटा, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। ठीक, तो अगर हम आगे बात करें इसके, तो ये बात तो हम लोग सीख गए बेटा कि कैसे। तो याद है जो हमने रजिस्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे कराए हैं सीरीज पैरेलल वाले, तो जितने भी प्रॉब्लम आपके कैप्चर वाले ऐसे थे, कुछ प्रॉब्लम आपको एक एक सबका बता दे रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, कैसे सीरीज में आपके सीरीज पैरेलल वाले बहुत सारे के ट्रायंगल उंगल वाले जो प्रॉब्लम नहीं बताते। तो जितने भी आपके रजिस्टर वाले प्रॉब्लम थे, सब में आप कैप्चर लगा के सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। बस क्या ध्यान रखना है कि जो सीरीज होता है, सीरीज में कैप्चर को डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं? उल्टा करके जोड़ते हैं। और पैरेलल में हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। और सेम जितने भी आपको रेजिस्टेंस वाले मैंने क्वेश्चन कराते हैं, सब में आप कैप्चर लगा के, ठीक है, यूनिट जानते हो आप लोग कितना क्या होती है बेटा, कैप्चर की यूनिट फैरड होती है। क्या होती है? सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको हम कर लेते हैं।
अब देखो ये सारी बातें देखो हमने करंट स्टेट में पहले ही सिखा दी, इसलिए अब यहाँ पे हम रफ्तार में इन चीज़ों को बताएंगे। जो वहाँ पे शायद आपको 5-6 क्लासेस में हमने सिखाया है वो काम शायद मैं यहाँ पे 10 से 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ वो सारी बातें, तो वो चीज़ें काफ़ी रफ्तार चलेंगी। तो आप समझिए कि वो सारी बातें आपने सीखा है, ठीक है। जैसे हमने कैसे क्वेश्चन किया था याद है बेटा, हमने कह दिया जैसे ये बैटरी है, हमने कह दिया कैप्चर यहाँ पे है, ठीक है ना। मान लो एक कैप्चर यहाँ पर है, ठीक है, और एक कैप्चर यहाँ पर है, याद करिए बेटा, और ये दूसरी बैटरी है बेटा, ठीक है। हमने बोल दिया ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये भी बोल दिया 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये बोल दिया मान लो 4 माइक्रोफेरेड का है। ये 3 कैप्चर्स हैं, और मान लो यहाँ बोल दिया बैटरी है 8 वोल्ट की है, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ बोल दिया बैटरी मान लो 4 वोल्ट की है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की। मान लो ये सर्किट है हमारा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड चार्ज ऑन ईच कैप्चर। याद है ऐसे क्वेश्चन हमने किया था जब यहाँ पे रजिस्टर थे, क्या 0 मान के जो एक्स कर लेते थे ना, सेम वही फंडा यहाँ पर भी लगाएंगे बेटा, क्लियर है। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हर कैप्चर पे कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैप्चर। सबका बेटा एक एक बताना है, बस रिकॉल कर रहे हैं फटाक से, देखिए फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। तो हर कैप्चर पे आपको क्या बताना है बेटा, चार्ज। तरीका अब भी वही है बेटा जो पहले आपने किया था, क्या 0 मान लेते हैं बेटा, इसको अगर हम 0 मानेंगे तो कितना होगा 8 वोल्ट। सोचो इसको 0 मान लिया तो ये क्या हो गया बेटा, क्या इसको लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कैप्चर होगा, इसमें कितना चार्ज है ये हमको पता नहीं। सोचो इसको अगर 0 मानोगे तो कितना हो गया इसका पोटेंशियल, 4 वोल्ट हो गया कि नहीं बेटा, यहाँ तक तो बात सही है। अब सोचो इसका पोटेंशियल क्या हम लिख पाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर ये पता नहीं कि इस प्लेट पे इस कैप्चर पे कितना चार्ज है। तो हमने मान लिया इसका पोटेंशियल क्या है बेटा, एक्स। याद है जो सिखाया था आप लोग को करंट शीट में, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे बेटा। अब ध्यान से बताओ, हमने मान लिया इधर जो चार्ज फ्लो किया वो इधर फ्लो किया और इधर फ्लो किया और इधर फ्लो किया, जैसे करंट वहाँ दिखाते हैं ना, यहाँ पे हम चार्ज की बात करेंगे। और इस जंक्शन पे हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या लगा देंगे बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बताओ अब सोचो जब ये चार्ज आप निकालोगे, इधर जो चार्ज होगा तो क्या होगा, चार्ज क्यू बराबर क्या सी इंटू वी होता है कि नहीं बेटा, और वी क्या होता है बेटा, कैप्चर के कॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो क्या लिखो इसकी बात करेंगे बेटा, क्या हम केसीएल लगाएंगे नहीं बेटा, तो क्या लिखेंगे, सेम अप्लाइंग सेम वही बात जो आपने करंट स्ट्रीम में पढ़ा है बेटा, KCL एट कहाँ पर, जंक्शन X, जो आपको X जंक्शन दिख रहा है ना, अगर इसको पॉइंट में बोल दूँ, मान लो ये पॉइंट हमने बोल दिया ये पॉइंट A है, तो जो पॉइंट A है हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बेटा, इस जंक्शन पे हम क्या लगा रहे हैं, KCL लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, KCL। तो ये बताओ किरचॉफ्स अगर करंट लॉ लगाएंगे तो बताइए क्या होगा, सोचो इधर जो चार्ज आएगा Q1 Q2 इन सब तीनों चार्जेस का सम क्या होगा, क्या 0 होगा कि नहीं, जैसे वहाँ करंट वाला बताते थे वैसे यहाँ चार्जेस का, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान से बताओ इधर जो चार्ज आएगा कितना होगा, तो चार्ज की वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे फॉर्मा नहीं चलेगा जैसे I बराबर मान लेते थे V बाई R होता था ना, तो यहाँ पे ऐसा मत लीजिए ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैपेसिटर, ऐसा नहीं, क्योंकि चार्ज का फार्मूला यहाँ पे वैसे नहीं चलता है। चार्ज का फार्मूला V बाई आपका C नहीं होता है बेटा, उसका फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखना चार्ज का लिखने के लिए क्या करोगे, तो चार्ज होगा Q बराबर C, C क्या है बेटा इसका कैपेसिटर 2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा X माइनस 8, क्लियर है बेटा। चूंकि हमने चार्ज अगर इधर माना है फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, क्या इतनी बातें हमने बोला था बेटा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसमें जो चार्ज आएगा क्या, क्यू बराबर सी इंटू वी, वी है एक्स माइनस 8, और जो कैपेसिटेंस है इसका कितना है 2। ऐसे बताओ इधर जो चार्ज आएगा कितना आएगा बेटा, तो कहोगे सर यहाँ पे जो कैपेसिटेंस प्लस, बताओ कैपेसिटेंस कितना है 4, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एक्स माइनस 0, ठीक है ना। प्लस इधर वाला बताओ क्या होगा बेटा, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एक्स माइनस 4। क्या इन सब का सम क्या करेंगे बेटा, क्या 0 कर देंगे, नहीं भाई, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है, क्या उनका सम 0 से, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो चार्ज का फार्मूला होता है वो सी इंटू वी, वहाँ पे करंट था तो वी बाई आर होता था, इसलिए हम वहाँ पे डिवाइड करते थे, क्या करते थे, यहाँ पे डिवाइड नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना क्यू बराबर सी इंटू वी। तो चलो बताओ सबको, दो दो से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा तो क्या 2x हो गया कि नहीं बेटा, प्लस यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो ध्यान से बताओ कितना आ गया, क्या 4x बराबर 12 आएगा कि नहीं बेटा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, क्या 3 वोल्ट आएगा कि नहीं बेटा। सोचो ध्यान से देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता नहीं था, तो अगर पता चल गया तो क्या फटाफट करने लिख सकते हैं बेटा। तो इसके बाद साफ साफ इसकी एक सर्किट बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो इसके आगे बेटा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो इसके बाद साफ साफ एक सर्किट बना लीजिएगा बेटा, ठीक। तो आपका ये कितना है 2 माइक्रोफेरेड, ये है 4 माइक्रोफेरेड, और ये क्या है बेटा 2 माइक्रोफेरेड, और ये कितने वोल्ट का है 8 वोल्ट का, और ये कितने वोल्ट का है 2 वोल्ट का। तो याद करो ये 0 जो मानेंगे तो ये 8 वोल्ट, ठीक है ना, ये 0 और ये 0, तो ये कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है बेटा।
अब ध्यान से बताओ, ये जीरो तो ये किसका पोटेंशियल कितना होगा, एक्स है ना, तो एक्स का मान क्या 3 वोल्ट आया कि नहीं बेटा? अब देख लीजिए बेटा, क्या हर पॉइंट का तुमको पोटेंशियल पता है कि नहीं? तो क्या चार्ज लिख सकते हैं? नहीं बेटा। तो सोचो इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा बेटा, क्या क्यू बराबर सी इंटू वी होता है कि नहीं? अब ये कैसे पता करें सर किसका पोटेंशियल हाई होगा किसका लो? आराम से मैं कर दे रहा हूँ बेटा, फिर हम आराम से बता, आपको नोट कर लीजिएगा आराम से पॉज करके, ठीक है? तो ध्यान बताओ, इसका पोटेंशियल हाई और इसका पोटेंशियल लो। तो जिसका पोटेंशियल हाई होगा वहाँ पे प्लस चार्ज, वहाँ पे कैसा चार्ज लिखेंगे? प्लस में, और जिसका लो होगा उसको माइनस में। तो बताओ चार्ज कितना होगा, क्यू बराबर क्या सी इंटू बी, सी कितना है 2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 क्या 5 का है कि नहीं बेटा? तो 5 दुनी 10, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इस पे प्लस 10 आएगा, क्यों? चूँकि इसका पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे माइनस 10। यूनिट क्या होगी बेटा चार्ज की? माइक्रो कूलाम, ध्यान रखना बेटा, चूँकि माइक्रो फैराड है तो चार्ज की यूनिट भी क्या होगी? माइक्रो कूलाम। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा बताओ इस पे कितना चार्ज होगा बेटा, सोचो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये वाला हाई है और ये वाला लो, तो यहाँ वाले प्लस चार्ज आएगा, इधर वाले पे माइनस। तो ध्यान से बताओ, तो डिफरेंस कितना होगा, हाई माइनस लो क्या एक का है कि नहीं बेटा? तो चार्ज क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू वी, क्या वी क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, तो क्या 1 इंटू 2, तो यहाँ पे प्लस 2 आएगा और यहाँ पे माइनस 2। बाकी यूनिट आप जानते हो माइक्रो कूलम क्या होगा बेटा, तो हर प्लेट पे आपको चार्ज देखो हम दिखा दे रहे हैं बेटा। ऐसे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल इसका क्या है बेटा, 3 और इसका क्या है 0, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा प्लस में, कितना क्यू बराबर क्या सी इंटू वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 इंटू सी क्या है 4, तो 4 ते हैं 12 हो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ इसका हो जाएगा प्लस 12 माइक्रो कूलम और इसका क्या होगा बेटा माइनस 12 माइक्रो कूलम। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? देख लीजिए आराम से समझो, ये सारी वही चीज़ें जो आपको आपने पहले सीखा है बेटा, ठीक है? आपको पहले मैंने करंट में सिखाया, तो सेम फंडा है आपको कि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, काम खत्म करो बेटा, काम खत्म, यहाँ तक सही है? फटाफट आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बेटा, बात एक बार देख लीजिए। सेम देखो ये वही बात है जो आपको पहले हमने सिखाया था, जीरो मान के जिसका नाम पता हो एक्स निकाल लो बेटा, मान के ऐसे क्वेश्चन कराए थे, कहीं दो होता था कहीं एक होता था, याद है बेटा? तो वो वाला आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ठीक है बेटा? तो आप इसको पॉज करके आप इसको सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, बाकी सारी बातें आपको समझ में आ गई बेटा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बस फर्क क्या है बेटा, वहाँ पर हम क्या लिखते थे, वहाँ पे हम करंट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू वी, और जहाँ पे वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर लेंगे आराम से, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं बेटा, तो फटाफट आप इनको देखते चलिए रफ्तार से, ऐसे वाले जितने भी केस आपको बताया था याद है। तो आपको ये बातें याद होगी, जैसे आपको चार्ज वहाँ पे क्या क्या करवाया था हमने, करंट निकलवाया था ना बेटा, करंट और हर पॉइंट के पोटेंशियल, तो सेम वही चीज़ है, बस किसके लिए कैप्चर के साथ सेम हो गया। तो सेम जैसे जितने भी क्वेश्चन आप किए थे सब में कैप्चर लगा लगा करके माइक्रो फैराड का कैप्चर ले लेना बेटा, हर कैप्चर को माइक्रो फैराड में लेना और अपना डेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहे बेटा, जैसे अगला क्वेश्चन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन ये था बेटा इसके पहले, ये दूसरा क्वेश्चन मान लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 एक ले रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसा आ जाए, याद है हमने कह दिया कि मान लो ये अपना क्या है, ये बैटरी है और यहाँ पे मान लो एक कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर मान लो यहाँ पर है और एक कैपेसिटर आपका ये है, इधर भी एक कैपेसिटर है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा, ठीक है? हमने कह दिया ये मान लो 2 माइक्रो ऐसे कर लेते हैं बेटा, ये मान लो 3 माइक्रो फैराड का है और ये है 6 माइक्रो फैराड का, ठीक है, और ये मान लो है 2 माइक्रो फैराड का और ये भी आपका कितना है बेटा, ये मान लो 4 माइक्रो फैराड और ये कितने का, मान लो ये मैंने कह दिया मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है? तो क्या सेम क्वेश्चन ऐसे आ गया बेटा? अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा हर प्लेट पे चार्ज बताना है, हर कैप्चर पे क्या बताना है कितना चार्ज है बेटा, क्या सेम क्वेश्चन? तो याद है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके पहले याद है, वहाँ पे जैसे आर इक्वल निकालते थे वैसे यहाँ सी इक्वल निकालेंगे। क्लियर बेटा? तो सेम तरीका होगा, क्वेश्चन में अभी वही पूछा है, बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में सिंपली आपको यही पूछा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैप्चर। ये सारे बेटा कैपेसिटर है, बैटरी केवल यहीं पर है, आपको दिख रहा है ना 12 वोल्ट की बैटरी, तो आपसे बताना है हर कैप्चर पे कितना चार्ज होगा, हर कैप्चर पे कितना चार्ज, तो हर प्लेट पे बताना होगा कितने किस पे कितना चार्ज होगा। तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैप्चर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैप्चर, कैसे करेंगे बता बताओ? क्या सेम वही तरीका, पहले सी इक्वल निकालेंगे नहीं बेटा? तो ध्यान से बताओ 6 और 3 क्या सीरीज में है कि नहीं बेटा, और सीरीज में हमने क्या सीखा है बेटा, कैप्चर को डायरेक्ट जोड़ते हैं कि उल्टा करके, उल्टा करके बताओ 6 और 3 को जब अगर हम जोड़ेंगे उल्टा करके, याद है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस वाला, तो 6 3 का 2 आएगा कि नहीं बेटा? तो इनको हम अगर जोड़ेंगे, ठीक है, सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो क्या उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, भाई याद है 6 3 18 / 6 + 3 भाई 6 × 3 / 6 + 3 याद है ना, R1 × R2 / R1 + R2 जैसे पैरेलल वाला होगा, तो कितना होगा 6 3 18 / 5 6 3 9, तो 18 / 9 क्या आया 2 आया कि नहीं बेटा? तो इनका इक्विपमेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड, 2 और 2 किस में पैरेलल में है, तो इनका क्या होगा पैरेलल में तो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा बेटा, तो 4 और 4 सीरीज में याद है सीरीज में उल्टा वाला लगता है, उल्टा करके जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा इसका 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा।
तो ध्यान से बताओ इसका सी इक्विवेलेंट कितना आया, दो आया। कितना आया सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, इसको जल्दीबाजी जल्दी से थोड़ा देख लीजिए बेटा, इसकी वैल्यू आएगी दो माइक्रोफेरेट। फटाक से फिर से देखिए बेटा, बताओ छः और तीन क्या सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्ट जोड़ेंगे कि उल्टा करके, उल्टा करके जब इनको उल्टा करके जोड़ोगे तो वैल्यू क्या दो आएगी कि नहीं बेटा, ये सब पहले भी देख चुके हैं। दो और दो पैरेलल में कितना हो जाएगा चार, चूंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ते हैं तो चार आया। चार और चार किस में हो गए सीरीज में, तो सीरीज में उल्टा करके जोड़ेंगे तो चार बटे दो कितना आएगा, दो आया कि नहीं। तो आपका जो सी इक्विवेलेंट आया वो आया बेटा दो माइक्रोफेरेट, कितना आया बेटा दो माइक्रोफेरेट। और जो आपका कैपेसिटेंस है वोल्टेज है वो कितना है 12। तो बताओ चार्ज क्यू बराबर क्या होता है सी इंटू वी, तो जो सर्किट में चार्ज क्यू फ्लो करेगा वो बराबर क्या होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो बताओ सी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, दो इंटू वी की वैल्यू 12। तो जो चार्ज फ्लो किया क्या 24 माइक्रो कूलम है कि नहीं बेटा, तो सर्किट में जो चार्ज फ्लो किया वो है 24 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से जो चार्ज गया वो 24 गया कि नहीं बेटा, समझो ये गया। तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा बेटा, क्या प्लस 24 आएगा कि नहीं बेटा, और इस वाले पे -24 ठीक है माइक्रो। तो यहाँ से जो चार्ज गया था कितना गया था 24 माइक्रो कूलम, क्लियर है। तो यहाँ से गया तो यहाँ से निकला भी होगा 24। अब ध्यान से बताओ यहाँ पे 24 माइक्रो कूलम यहाँ से गया, तो ध्यान से बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 6 और 3 का पैरेलल में क्या दो आएगा कि नहीं बेटा, 6 और 3 को सीरीज में जोड़ोगे तो कितना आएगा दो, क्योंकि कैपेसिटर में सीरीज में आता है उल्टा करके जोड़ते हैं, तो इनका दो आया और इसका भी दो। तो क्या दोनों तरफ कैपेसिटर सेम है कि अलग अलग, सेम सेम है, तो चार्ज भी क्या बराबर जाएगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ से बताओ कितना चार्ज आ रहा है 24, तो आधा इधर गया और आधा इधर, तो 24 का आधा इधर कितना जाएगा 12 माइक्रो कूलम इधर गया और 12 माइक्रो कूलम क्या होगा बेटा। तो यहाँ पे बताओ इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा प्लस 12 और इस वाले पे माइनस, बाकी यूनिट आप ध्यान रखना माइक्रो कूलम में, ऐसे यहाँ पर भी प्लस 12 और यहाँ पर, क्लियर बेटा समझ पा रहे हो कैसे होगा, ये बात आप समझ पा रहे हो, चूँकि चार्ज कहाँ से कहाँ हाई पोटेंशियल से लो, ऐसे भी आप समझो, तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ का लो, क्लियर ना, यहाँ तक बात क्लियर। एक्चुअली प्लेट्स के बीच में चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब आपका पहले जो दिखेगा उसको क्या है, जैसे चार्ज यहाँ से तो ये हाई होगा और ये लो होगा ना, तो ऐसे आप समझ जाओगे इस बात को। तो इस तरह से यहाँ चार्ज आपको हर जगह दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस मानेंगे और यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ज हमेशा धारण जो जब भी फ्लो करे तो प्लस माइनस आप याद रखें, जैसे यहाँ पे करंट में बताया था ना कि रजिस्टर में जो करंट होता है जब करंट आई फ्लो करता है, तो हमने करंट से डिसाइड किया था ना बेटा पोटेंशियल पे हाई से लो, तो वैसे यहाँ भी ध्यान रखना कि चार्ज जैसे फ्लो कर रहा है तो पहले वाला जो होगा हाई होगा बाद वाला लो, तो इसलिए प्लस माइनस करो। यहाँ भी देखो प्लस माइनस आपको वहाँ भी दिख रहा है प्लस 12 माइनस 12, तो इस तरह से देखो। अच्छा बताओ यहाँ पर भी कितना होगा, क्या सेम यहाँ पे 12 फ्लो कर रहा है तो इसमें भी 12 ही आएगा ना, तो यहाँ पर भी प्लस 12 और यहाँ पर माइनस, बाकी यूनिट जानते हो ना माइक्रो कूलम में, सब सब चार्ज किस में बेटा माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इस तरह से ही रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या इस तरह से हम कर लेंगे बेटा इस तरह के क्वेश्चन, तो आप डिवाइड करना आप समझ लो बेटा, ठीक है। अच्छा हटाओ इसको, हो गया ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है आगे बढ़े हम लोग। तो अगली बात समझते हैं, जैसे याद करो हम जैसे हम जानते थे क्या थे, जैसे वहाँ पे हम करंट डिवाइड नहीं करते थे, वैसे यहाँ पे चार्ज डिवाइड आप नहीं कर सकते, चार्ज डिवाइड का यहाँ कोई फार्मूला नहीं होता। तो बात होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कहाँ डिवाइड होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। तो मान लो सीरीज में कैप्चर है, देखो आप जैसे हमने कह दिया कि मान लो यहाँ पे क्या किया बेटा, मान लो इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस करा दिया वी, मान लो इसकी वैल्यू कुछ है, ऐसे डेटा ले रहा हूँ, मान लो ये 3 माइक्रोफेरेड है और ये क्या है बेटा, मान लो ये 4 माइक्रोफेरेड है, कितना है 4, और ये मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो ध्यान से बताओ चार्ज तो दोनों सीरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा, लेकिन क्या चीज़ डिवाइड होगी, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिवाइड होगा पोटेंशियल क्या होगा, हमने माना यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे V2, तो कैसे डिवाइड करोगे पोटेंशियल बेटा, तो डिवाइड करने का रहेगा ध्यान रखना, सोचो दोनों में कौन सी चीज़ है जो सेम होगी, क्या चार्ज दोनों में सेम होगा कि नहीं बेटा। तो बताओ V बराबर क्या होगा, क्या V1 और V2 का रेशियो, याद करो जो करंट जैसे कहा था करंट I बराबर क्या V/R होता ही नहीं, तो बताया था जो करंट का रेशियो क्या 1/ रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं, वैसे काम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या बोलोगे बेटा, जो वोल्टेज का जो रेशियो होगा क्या होगा बेटा, पहले में कितना होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या Q/C याद है बेटा, Q/ यहाँ पे प्लस चार्ज में प्लस क्यू आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसे ही तो आएगा बेटा, तो कितना होगा Q/C, C का मान क्या 3 है, रेशियो इसमें भी क्या आएगा Q/6, चूँकि अगर बताओ चार्ज इससे क्या दोनों में सेम सेम आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे भी चार्ज क्यू आएगा तो Q/4। तो बताओ अगर इनका रेशियो लोगे क्या 1/3 / 1/4 आएगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से देखो क्या समझ में आया बेटा, क्या जो वोल्टेज का रेशियो वही होगा जो 1/ किसका रेशियो, 1/ कैपेसिटेंस का रेशियो, किसका रेशियो बेटा। तो सीरीज में ध्यान रखना जो कैप्चर होते होंगे क्या होगा, वोल्टेज जो होंगे वो डिवाइड होंगे, तो वोल्टेज का रेशियो वही होगा जो 1/ कैपेसिटेंस का रेशियो। तो ध्यान से बताइए क्या होगा, रेशियो को सही करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्या 12 से मल्टीप्लाई करी, इन दोनों का एलसीएम क्या 12 होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4:3 आएगा, 4:3। तो ध्यान से बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या 4/ दोनों का सम कितना हो गया 7 × टोटल कितना है 12, क्लियर है। तो कितना आ गया 12 × 48 / 7, कितना वोल्ट आ गया बेटा। इस तरह से V2 बताइए क्या होगा, V2 अगर लिखेंगे तो बताओ ध्यान से V2 वाला क्या 3 है ना, 3/ दोनों का सम क्या होगा बेटा 7 × 12, क्लियर। तो कितना आ जाएगा
12 यानी 36 होगा, 36/7 वोल्ट। तो आपको यहाँ से दिख रहा है बेटा कि V1 V2 का मान हमने वैसे ही निकाल लिया जैसे हम सीरीज में क्या करते हैं बेटा, जैसे हम पैरेलल में करंट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज निकालने का तरीका नहीं है बेटा, ध्यान रखना चार्ज वाला आप नहीं बोलोगे, चूंकि बच्चे के दिमाग में आ गया सर जैसे वहाँ करंट डिवाइड करते थे वैसे यहाँ चार्ज डिवाइड कर ले, आप नहीं डिवाइड कर सकते। क्यों बेटा, मैं समझाता हूँ आप उसको, देख लीजिए। चूंकि पैरेलल में जब आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मान लो, ठीक है, सपोज दैट ये है, क्लियर। तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल तो यहाँ पे सेम है, लेकिन चार्ज ध्यान से बताओ इसमें जो चार्ज आ रहे हैं वो सेम है कि अलग अलग, यहाँ पे अलग चार्ज और यहाँ पे अलग। और मान लो इसका कैपेसिटेंस अगर हमने कुछ बोला C1 और इसका C2 है, तो ध्यान से बताओ किसका क्या कहोगे तुम बराबर है। अगर आप ध्यान से बताओ चार्ज के बारे में कुछ नहीं कमेंट कर सकते, चूंकि यहाँ चार्ज क्या है अलग अलग है बेटा, और कैपेसिटेंस भी इनका अलग अलग है ना, कैपेसिटेंस भी यहाँ पे क्या था बेटा, एक चीज़ सेम था, क्या चीज़ सेम था, चार्ज। यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो अगर हम वास्तव में, जब आप क्या कहोगे सर कि चार्ज हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो चार्ज क्यू बराबर लिखोगे तो क्या होगा, चार्ज क्यू बराबर क्या C V1 कहोगे ना, तो इस तरह से आप करके वहाँ निकालोगे बेटा, तो वहाँ पे आप कैपेसिटेंस के रेशियो से आप कहोगे। तो मैं तुमको सिंपल बताऊँ तो चार्ज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को पता है तो क्यू बराबर क्या C V होता है, इसलिए वो आसानी से लिख देंगे, इसलिए उसको डिवाइड करने वाला कोई तरीका वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। केवल यहाँ पे पोटेंशियल जो अलग अलग लिखना होता है ये थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा रिलेटेड उससे चलता है, बाकी ये तो अलग होता है। अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो सी इसको पता है तो याद है ना, चार्ज क्यू बराबर क्या C V होता है, तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, क्लियर यहाँ तक बेटा। इसलिए हम यहाँ पे चार्ज आप चाहो तो बना सकते हो उसका, बाकी इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, क्लियर है, ये वही बात है जैसे आपने करंट डिवाइड किया था वैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड करना था। आगे बढ़े बेटा, क्लियर, साथ साथ आप नोट करिए बेटा, ठीक है, हर बार बोलना ना पड़े कि आपको करना है, तो आप आराम से जहाँ पे देखिए प्रॉपरली हो गया वहाँ से आप पॉज करके नोट करना चालू कर दीजिए। तो हमने ये बातें भी देख ली बेटा, आगे बढ़े हम लोग। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो हमने ये भी सीख लिया। अब सोचो याद करो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाया था, WSB याद है सबको, क्या पढ़ाया था बेटा WSB, क्या वो वाले भी प्रॉब्लम कराया था नहीं बेटा, याद है ऐसे। तो यह वैसे यहाँ भी समझ लो, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा WSB व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ का भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें WSB की, ठीक है ना, आप सबको पता ही WSB, तो जो अगर 5 कैपेसिटर्स हो वहाँ रजिस्टर बोला था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कैपेसिटर। अगर 5 कैपेसिटर्स हमारे ऐसे हो जिनको आप डिसाइड नहीं कर पाओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो किसके बारे में जरूर सोचना चाहिए WSB। तो कभी हमने कहा था 5 कैपेसिटर आपको अगर ऐसे दिख जाए तो इन्हें क्या बोलेंगे बेटा, क्या है ये, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं बेटा, क्या है बेटा ये आपका, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। और ये बैलेंस कब होता है याद है बेटा, बैलेंस तब होता था जब बीच वाले में करंट क्या होता था जीरो, वहाँ पे रजिस्टर में बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे जब बीच वाले में चार्ज जीरो होगा तो फिर क्या होगा बेटा, तब कहोगे ये बैलेंस्ड है, क्या है बेटा बैलेंस, तो मतलब बीच वाले में कोई चार्ज ना है। तो क्या लिखोगे बेटा WSB जो हमारा ये है ये बैलेंस्ड कब होता था, ये बैलेंस्ड आपका तब होगा, ये बैलेंस्ड WSB तब कहलाता था जब क्या होता था, व्हेन, किसमें चार्ज जीरो होता था, व्हेन चार्ज इन C5, जो C5 कैप्शन उस पर जो चार्ज होगा क्या होगा वो जीरो हो बेटा, क्या हो, तो C5 वाले में अगर चार्ज जीरो हो जाए, इस वाले में अगर चार्ज जीरो हो जाए बेटा, तो ये किस में हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस कहलाता है। और जब बैलेंस कराता है तो कंडीशन आपको याद है बेटा, इसकी कंडीशन क्या होती थी याद है, कंडीशन इसकी हमने निकलवाया था, सेम वही बात वही यहाँ पे याद रखना कि कैप्शन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा बराबर, तो C1/C3 बराबर C2/C4 याद है बेटा, सेम जैसे वहाँ रेजिस्टेंस के बोलते थे वैसे यहाँ पर भी। तो क्या कहोगे बेटा, अब सोचो इनका रेशियो अगर सोचो यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं किया तो ये काम का कि बेकार, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इनको अलग से निकाल लीजिए, इन दोनों सीरीज को अलग से, बाकी दोनों को पहले में, तो क्या यहाँ से इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा। तो सोचो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, कहोगे सर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, या आप ऐसे बोल सकते हो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में इनको जोड़ लो बेटा, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो सीरीज में याद है उल्टा करके जो जोड़ते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। तो सेम इसका भी WSB वैसे ही है जैसे आपने रजिस्टर में पढ़ा था, इसीलिए कहा था सेम जो बातें जितने अपने रजिस्टर में पढ़ा है सारी चीज़ें वही यहाँ भैया गया, क्लियर है यहाँ तक बेटा। चलो तो आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर करा देना बेटा फटाक से, जल्दी से हटाएं इसको, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए सब लोग पॉज करके, आगे बढ़े, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक, वो कैप्चर में ऐसे अनुदय ये कैप्चर है, ये आपका है बेटा, ठीक है, ये है और ये, हमने कह दिया ये 5 कैप्चर है, ठीक है, ठीक, हमने बोल दिया ये 2 का है, 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, और ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, और ये 7 माइक्रोफेरेड। बताओ ध्यान से बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, हाँ, चूँकि कहोगे सर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये पैरेलल में कि कौन सीरीज में, कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो किसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो ध्यान से बताओ क्या 2/4 और 3/6 का इसका रेशियो 1/2 का है कि नहीं बेटा, एकदम, तो क्या रेशियो क्या है बेटा, आपको दिख रहा है ना बराबर है, तो C1/C3 बराबर C2/C4 दिख रहा है कि नहीं बेटा, इसका मतलब बीच वाला काम का कि बेकार, इसमें कुछ कोई भी चार्ज
नहीं आएगा, तो काम बेकार है बेटा। तो चाहे इसको लगाओ चाहे हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से बताओ, इसको लगा ही रहने दो, तो इसमें कोई चार्ज जाएगा नहीं, तो क्या ये दोनों पैरेलल में दिखेंगे नहीं बेटा? तो चार और दो किसमें पैरेलल में, तो इनका कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। कितना आएगा, तो देखो सीक्वेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, चार दो पैरेलल में इनका कितना आ गया, छः आ गया, और छः और तीन पैरेलल में इनका कितना आ गया, नौ। तो छः और नौ किसमें हो गया बेटा, सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे लिखा गया, छः इंटू नौ अपान छः प्लस नौ, क्या पंद्रह का है ना बेटा? तो काट लेते हैं बेटा, चलो तीन दूनी छः और तीन पच्चीस पंद्रह, कितना आ गया बेटा इसका इक्विवेलेंट, 18/5। क्या इतना माइक्रो फैराड आएगा नहीं बेटा? आप चाहो डेसिमल में भी लिख सकते हो, डेसिमल में क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, पाँच या पंद्रह हो गया बेटा, और तीन पाँच छः क्या होगा, 3.6 माइक्रो फैराड। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। याद है आपको ऐसे क्वेश्चन हमने रजिस्टर में कराया, तो सेम वही फंडा है बेटा, बस यहाँ पे क्या आ गया बेटा, कैप्चर, बस फर्क एक ही चीज़ बदला है कि यहाँ उसका जो सीरीज में होता था यहाँ पे पैरेलल में होगा, और जो वहाँ पे पैरेलल में होता वो कम यहाँ पे सीरीज, बस उसका उल्टा। बाकी आपको तरीका भी वही है बेटा, फंडे सारे वही हैं, जैसे WSB के क्वेश्चन वहाँ करते थे वही काम यहाँ, ठीक है। जितने भी इक्विवेलेंट वाले कर रहे थे सब कैप्चर लगा लगा के आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बेस्ट, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, ये सारी बातें जल्दी दी आप लोग। याद है एक हमने बताया था VI मेथड, क्या बताया था अगला क्वेश्चन, याद है आपको VI मेथड में बताया था अनबैलेंस WSB होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक VI मेथड, तो इसके लिए जैसे वहाँ VI बोलते थे यहाँ QV मेथड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, QV। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा, याद है यहाँ पे बोल देते हैं अनबैलेंस WSB, कौन सा बेटा, अनबैलेंस WSB होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, QV मेथड का। तो जैसे आपसे क्वेश्चन क्या देते बेटा, कह दिया ये कैप्चर है बेटा, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और ये भी, ठीक है, ये कैप्चर हैं आपके, और यहाँ पर भी कैपेसिटर्स, क्लियर। अब कह दिया इसका क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ बोल दिया बेटा, मान लो ये एक माइक्रो फैराड का है, ठीक है, ये भी आपका 1 माइक्रो फैराड का है, ठीक है, ये आपका, ये आप बोल दिया ऐसे, ये 1 माइक्रो फैराड, ये 2 का है बेटा, ये 2 माइक्रो फैराड का है, और ये 1 माइक्रो फैराड का है, और ये भी 1, कुछ भी आप ले रहे, ठीक है डेटा। तो बताइए क्या बैलेंस्ड है क्या, नहीं, क्योंकि 1/2 और इसका 2/1, क्या दोनों बराबर हैं क्या, नहीं, तो C1/C3 बराबर C2/C4 नहीं है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। याद है इसे अनबैलेंस बोलते थे, क्या बोलते थे, अनबैलेंस्ड W। तो आपसे क्वेश्चन में अभी वही पूछा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपसे क्या पूछा है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, आपसे एक ही बात पूछा गया, आपसे क्या निकालना है इसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जैसे वहाँ पे याद है VI मेथड से हमने आपको बताया था, वैसे इसका सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, QV मेथड, कौन सा मेथड बेटा, QV मेथड। तो हम यहाँ पे लगाएंगे QV मेथड, सही है यहाँ पे। तो चलो QV मेथड के बारे में समझते हैं बेटा, तो QV मेथड में क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं बेटा। अब चलो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, यहाँ तक हो गया सबका, चलो सोल्यूशन पे फट से आते हैं, ठीक है। सबको अगर आता, अगर आपको आता है बेटा, तरीका समझ में आता है कि हाँ वैसे ही करना है, तो आप आराम से अपना स्क्रीन पॉज करिए, फटाफट स्टार्ट कर लो सॉल्व। तो बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे एक वी वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, वी वोल्ट की बैटरी लगा देंगे, और उससे हम चार्ज मान लेंगे, कितना फ्लो करा दिया, क्यू चार्ज फ्लो करा देंगे, कितना चार्ज फ्लो करा देंगे, क्यू। तो ध्यान से बताओ, अब यहाँ से इसको हटाते हैं बेटा, तो यहाँ से बताओ जो क्यू बराबर क्या होता है बेटा, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या Q/V होगा कि नहीं बेटा, याद है क्यू बराबर C × V होता है, तो सी इक्विवेलेंट मान Q/V। तो हमको क्या वास्तव में निकालना क्या होगा, क्या Q/V का रेशियो निकालना है, जैसे वहाँ पे यार V/I निकालते थे ना इक्विवेलेंट के लिए, वैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, Q/V। तो आराम बेसिक चलो, तो क्या वहाँ से हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए बेटा, याद है इसको जीरो मानोगे तो इसको क्या मानोगे, V। याद करो बेटा सब लोग, कैसे बताया था, ये V तो ये भी वी, तो ये वी तो ये भी वी, और ये भी वी, तो ये जीरो बेटा, तो ये वाला जीरो हो गया, तो क्या ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो। सोचो इसका पोटेंशियल हमको पता नहीं, माना एक्स, और इसका पोटेंशियल मान लिया वाई, याद है बेटा सेम तरीका। तो क्या यहाँ पे क्या लगा देंगे, जंक्शन लॉ, क्या लगा देंगे बेटा, जंक्शन लॉ, ठीक है। तो नोड एक्स पे क्या लगा देंगे, जंक्शन लॉ। तो क्या लिखोगे, अप्लाइंग KCL एट, कहाँ पर बेटा, एट जंक्शन एक्स। तो जंक्शन एक्स पे हम क्या लगाएंगे बेटा, KCL लगाते हैं। तो इस जंक्शन पे लगाओ बताओ, इधर कर, इधर चार्ज, इधर चार्ज, इधर चार्ज, इन सब का सम क्या, जीरो होगा कि नहीं बेटा। तो क्या लिखोगे, C × V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, X-V प्लस, यहाँ पर भी क्या होगा, C × X-Y, पोटेंशियल पे क्या होगा, हाई माइनस लो। तो अगर हम मान ले हैं चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो ये हाई होगा और ये लो, प्लस इधर वाला देखो इधर कितना चार्ज होगा, क्या C क्या है बेटा, 2 × क्या X-0। सबको आता है बेटा, ये फटाफट बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज लिखते हैं, तो चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, C × V। तो फटाफट इक्वेशन बनाइए, तो बताइए क्या होगा, x यहाँ 2x आएगा, तो क्या हो गया, 4x हो गया कि नहीं बेटा। तो 4x - y इक्वल टू क्या, v पहला इक्वेशन आ गया x और y में, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ से क्या निकालना है, x और y, क्लियर है। तो पहला इक्वेशन दिख रहा है, ऐसे जैसे यहाँ पर हमने KCL लगाया, वैसे क्या यहाँ पर भी KCL लगा दे कि नहीं बेटा। तो इस जंक्शन पे भी हम क्या लगाएंगे बेटा, KCL। तो क्या लिखेंगे बेटा, अप्लाइंग KCL एट, कहाँ पर बेटा, कौन से जंक्शन पे, एक्स पे, वाई पे, वाई जंक्शन पे, वाई जंक्शन पे हम क्या लगाएंगे बेटा, KCL। चलो वाई जंक्शन पे हम लगाते हैं, तो ध्यान से बताओ,
क्या, इधर जो चार्ज फ्लो करेगा इधर चार्ज और इधर चार्ज, इन सबका सम क्या जीरो होगा, इधर चार्ज क्या होगा सी इंटू वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सी इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वाई माइनस वी प्लस, यहाँ पर क्या होगा बेटा इधर क्या वन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पर होगा क्या वन इंटू वाई माइनस जीरो, तो इन सबका सम क्या होगा बेटा जीरो। तो चलो फटाफट कर लेते बेटा, तो यहाँ से कितना होगा टू वाई माइनस टू वी, टू वाई माइनस टू वी, तो यहाँ पे एक बार साफ साफ लिख देते बेटा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो इसके आगे यहाँ पर तो देखिए बेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आएगा टू वाई माइनस टू वी प्लस वाई बराबर जीरो। तो ध्यान से बताओ इक्वेशन क्या बन गया यहाँ से, अच्छा प्लस वाई माइनस एक्स यहाँ पे बेटा, सॉरी वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। तो ध्यान से देखिए आप लोग क्या फोर वाई हो गया बेटा, फोर वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो गया टू वी, क्या इक्वेशन नंबर टू आया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, ये सारी बातें आपको देखो पहले भी सिखा चुका हूँ, तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए रफ्तार से हम लोग इसको कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से बताओ क्या इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बेटा यहाँ से, तो क्या करना चाहिए बेटा, क्या उस वाले इक्वेशन को चार से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर दे, ऐड कर दे, या इसमें चार से मल्टीप्लाई करके उसके साथ अरेंज कर ले। तो चलो पहले वाले इक्वेशन में चार से गुणा कर लेते हैं, तो पहले को चार से करोगे तो क्या होगा सिक्सटीन माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर वी, सही है ना, और इसके साथ क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे या ऐड कर दे जो भी ऐसा हो। तो ध्यान से बताओ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले वाले में चार से गुणा करके इसके साथ क्या कर दिया जोड़ दिया, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे आ गया पंद्रह एक्स बराबर क्या छः आएगा कि नहीं, तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, कट करो बेटा तीन से कट जाएगा ना, तो क्या टू वी बाई फाइव आएगा कि नहीं बेटा एक्स का मान, अगर एक्स का मान टू वी बाई फाइव आया तो क्या बताओ यहाँ से वाई निकाल सकते हो नहीं बेटा, सोचो वाई का मान कितना आएगा इस इक्वेशन से, सोचो y बराबर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या 4x माइनस वी आएगा कि नहीं बेटा, और 4x का मान कितना है दो, तो कितना होगा 8v बाई फाइव माइनस वी, तो कितना आएगा y का मान बेटा, तो y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितना आएगा 3v बाई फाइव। तो देखो यहाँ से x और y के मान आ गए, x और y के मान आ गए, क्लियर है बेटा यहाँ पे। तो सोचो हमको x और y के मान ही तो चाहिए था, याद है जैसे वहाँ पर भी करते थे, ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तो हम रफ करके इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप आराम से स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखिए बेटा तो क्या हो गया, सर्किट एक दोबारा बनाएंगे आप इसके बाद, ठीक है ना, तो ये सर्किट था वास्तव में, देखिए बेटा, तो सोचो इसका पोटेंशियल क्या है x है, तो इसका पोटेंशियल क्या है 2v बाई फाइव, और इसका पोटेंशियल y का क्या है बेटा 3v बाई फाइव। अब ध्यान से बताइए इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा ये लिख देंगे नहीं, तो चार्ज q बराबर क्या होता है c इंटू वी, तो c आपका 1 है, v है पोटेंशियल, तो क्या हाई पोटेंशियल माइनस लो, तो v में से 2v बाई फाइव घटाओगे क्या 3v बाई फाइव आएगा ना, तो 1 इंटू 3v बाई फाइव कितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ पे 3v बाई फाइव, यहाँ पे चार्ज q बराबर क्या होगा c इंटू वी, ऐसे यहाँ भी चार्ज q बराबर क्या होगा c इंटू वी पोटेंशियल, तो v माइनस 3v बाई फाइव क्या होगा 2v बाई फाइव इंटू टू, क्या 4v बाई फाइव आएगा कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ यहाँ पर जो चार्ज फ्लो किया 3v बाई फाइव और यहाँ पर 4v फाइव फाइव, तो q का मान कितना होगा बेटा, क्या q इन दोनों का सम होगा कि नहीं बेटा, तो बताओ 3v बाई फाइव और ये 4v फाइव दोनों का सम क्या होगा 7v बाई फाइव। तो ध्यान से बताओ हमको निकालना क्या था, क्या q बाई वी ही तो निकालना था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 बाई फाइव, क्या यही हमारा सी इक्विवेलेंट है कि बेटा, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आप देखो, तो 1 कितना आ गया बेटा, क्या 1.4 आ गया कि नहीं बेटा, अब चाहो आप 7 बाई फाइव माइक्रोफेरेड लिखिए चाहे 1.4 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया सी इक्विवेलेंट का मान आ गया। तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, इस मेथड को वीआई मेथड बोलते हैं, क्यूवी मेथड, क्लियर है बेटा, बस वी बोल्ट की बैटरी लगा लो उससे चार्ज क्यों मान लो, बाकी आपके सामने सोल्यूशन है, पहले भी हम इसको ऐसे बता दिए थे याद है वीआई मेथड में, क्लियर है सबको याद आ रहा होगा बेटा, ठीक नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है ना। इसके लास्ट में आप ये साफ साफ डायग्राम बनाना, उसके बाद हमने आपको यहाँ पे चार्ज आपको सी इक्विवेलेंट का मान निकाल दिया है इसके बाद, ठीक सही बेटा। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग की हो गई, ठीक, तो अगले हम प्रॉब्लम की जो बात करते हैं, तो ये सब सारी बातें ऐसे कर लोगे ना बेटा, याद है लैडर प्रॉब्लम जो बताया गया था, याद है उससे हम लैडर प्रॉब्लम को कैप्चर लग के आप सिंपल सा वो भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे जितने भी, याद है सिमेट्रिक सर्किट जो बताया था आपको, याद है मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, तो वो वाले सर्किट्स को भी कैप्चर लेके आप कर सकते हो कि, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सर्किट्स हैं उन सबको आप जो जो भी आपको सिखाया गया था सब कैप्चर लेके आप कर लो, सेम तरीका है जो यहाँ है, बाकी और कुछ भी बदल नहीं रहा है जैसे आप लोग करते थे, ठीक है बेटा। अच्छा ये वाली बात हम समझ लेते हैं बेटा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ भी KVL KCL कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन से हम लोग इसको देख लेते हैं बेटा, जैसे हम मान लें अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो आप KVL KCL भी देखिए कैसे इसमें लगाते हैं, सेम वही तरीके जैसे वहाँ पे करते थे, जैसे मैंने कहते हैं ये सर्किट आपके सामने एक है, ठीक है, मान लीजिए ठीक बेटा, मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी कितने हैं, ये मान लो आपका क्या है 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर है, और मान लो यहाँ पर क्या इसका कैप्शन क्या है 2 माइक्रोफेरेड और इसका भी क्या है बेटा 2 माइक्रोफेरेड और इसका है 4 माइक्रोफेरेड, कुछ भी ले लिया बेटा डेटा सिंपल से, ठीक है। अब मान लो ये सर्किट है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
आपको बताना है हर कैप्चर पे चार्ज, लेकिन किसका यूज़ करना है, किरचॉप्स लॉ का यूज़ करना, ठीक है ना। तो जैसे हमने आपको एक जीरो मान के बताया था, याद करो जो सर्किट को सॉल्व करना, और ये बताया था किरचॉप्स लॉ से, तो वो फंडा भी आपको बता रहा हूँ किरचॉप्स लॉ से भी कैसे कर सकते हैं इसको बेटा। तो जैसे वहाँ बताया था कि किसी भी एक बैटरी को उससे आप क्या कर दीजिए, करंट फ्लो करा लीजिए, वैसे यहाँ बोलूँगा किसी भी एक बैटरी से चार्ज फ्लो करा लीजिए और चार्ज को डिवाइड करते जाइए, अपना काम खत्म कर दीजिए। सेम वही तरीका बेटा। तो किसी भी एक से चार्ज फ्लो करा दो, किससे चेक कराए बेटा, 10 से कि 2 से, 10 से करा दो, क्योंकि इससे कराएंगे तो प्लस में आने के चांसेस ज़्यादा है बेटा। तो इस वाले बैटरी से हम किससे कराएं बेटा, हाई वाले से। इससे चार्ज हमने मान लिया यहाँ पे Q1 फ्लो किया, कितना फ्लो किया Q1, तो बताओ यहाँ से चार्ज आएगा तो इस पर कितना आएगा, प्लस Q1। और यहाँ पे ठीक है, जब चार्ज आप फ्लो करा लीजिए तो सब पे दिखा दीजिए कितने, तो पहले प्लस होगा बाद में माइनस, तो चार्ज आप ध्यान रखना। तो यहाँ से Q1 गया तो बताओ इस पे हमने मान लिया इधर चार्ज हो गया वो Q2 गया, और यहाँ पे चार्ज कितना गया Q3। तो ध्यान से बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q2, और इस पे माइनस Q2। इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q3, और यहाँ पे माइनस Q3। क्या हर सर्किट में हर जगह चार्ज दिख गया कि नहीं बेटा। और बैटरी में हम कैसे डिसाइड करते हैं बेटा, डंडे से डिसाइड करते हैं, बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव, छोटा डंडा मतलब माइनस। तो ध्यान रखना कैप्चर पे प्लस माइनस डिसाइड करने का तरीका होता है चार्ज से। देखिए चार्ज क्या होगा बेटा, हाई से लो, ऐसे समझो। तो आप ऐसे समझो इसके अंदर चार्ज नहीं वास्तव में फ्लो करता है, लेकिन चार्ज जब फ्लो करे तो पहले हाई दिखाना है बाद में लो। तो प्लस Q1 माइनस Q1, ठीक है, प्लस Q3 और माइनस, किसी वैसे ही जैसे रजिस्टर में आप दिखाते थे प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ पे फिर बाद में माइनस। तो इस तरह से आप यहाँ पे दिखा लिया साइन। तो देखो ध्यान से पहला इक्वेशन क्या हो गया, जंक्शन पे KCL का, इधर से बताओ Q1 आया तो Q1 ही Q2 Q3 में डिवाइड हुआ ना, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 बेटा। ये सबको आता है इसलिए रफ्तार से कर रहे हैं बेटा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3, ये सब KCL में कर चुके थे। तो वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ कि अप्लाइंग KCL एट जंक्शन दिस, ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये कौन सा है, जंक्शन, तो अप्लाइंग KCL कहाँ पर बेटा, एट जंक्शन, कहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया जंक्शन का ए, एट जंक्शन। तो यहाँ पर केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3, पहला क्वेश्चन ही आया बेटा, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3। अब दूसरा कौन सा याद है, किरचॉप्स लॉ, क्या लूप लॉ लगा देंगे पहले वाले लूप में, तो अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, ठीक है ना। सेम वही बात जैसे आप करते थे बेटा, अप्लाइंग KVL कहाँ पर, इन लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट में हम KVL लगाएंगे बेटा। चलो KVL लगाते हैं इस लूप में, तो इस लूप में घूमो, चलो यहाँ पे यहाँ से लो बेटा, पहले प्लस दिखा कि माइनस, प्लस दिखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे V बराबर होता है Q/C, क्या होता है बेटा Q/C, तो बताओ Q क्या होता है, Q किस पे चार्ज होता है, प्लस प्लेट की माइनस प्लेट पे, प्लस प्लेट पे, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा बेटा, Q1/2, कितना होगा, प्लस Q1/2। फिर इसके बाद इधर चलिए बेटा, फिर यहाँ पे देखो इधर आएंगे ना बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर इधर जाना है ना बेटा, फिर प्लस दिखा तो कितना होगा, प्लस Q3/2। फिर यहाँ से चलो क्या माइनस देखा कि नहीं बेटा, तो माइनस में 10, जहाँ से ले वहीं आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ध्यान से बताओ 2 से गुणा कर ले तो क्या इक्वेशन बना, Q1 प्लस Q3 बराबर क्या 20 आएगा कि नहीं बेटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ऐसे ही बताओ जैसे इस लूप में KVL लगाया वैसे ही यहाँ पर, साइन सबको लिखना सीख लो बेटा, ऐसे ही ये दूसरे लूप में हम KVL लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप थर्ड, लूप सेकेंड, अप्लाइंग KVL इन लूप किसमें बेटा, सेकंड में। तो लूप टू में हम KVL लगाएंगे, ध्यान से देखिए बेटा क्या आएगा, चलो यहाँ चलते हैं, पहले प्लस दिखा कि नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बराबर क्या Q2/4, ठीक है, और फिर यहाँ से ले, फिर प्लस दिखा बेटा तो पोटेंशियल कितना है 2 का, फिर यहाँ से लो, फिर क्या माइनस दिखा कि नहीं, माइनस। अब बताओ पोटेंशियल अभी क्या लिखोगे, Q3/2, याद है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का जो जहाँ से वहीं पे आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस याद रहे कैप्चर का लिखने का तरीका क्या होता है, V बराबर Q/C, और ध्यान रखना Q किस पे चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट पे। बाकी तरीका वही है, जो प्लस वाला पहले दिखा तो प्लस लगाओगे, माइनस वाला दिखा तो माइनस, सेम वही तरीका। अब बताओ क्या करोगे, सबको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि 4 इसका एलसीएम है ना, तो यहाँ पे आएगा बेटा Q2, और यहाँ 4 से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस में 2Q3, और प्लस कितना होगा, 4 से गुणा करोगे 8 आएगा ना, तो इस तरफ आएगा तो -8। इक्वेशन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है, 3 इक्वेशन बेटा, देखिए पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा, क्या बताओ कितने अननोन है, 3 Q1 Q2 Q3। बताओ Q1 Q2 Q3 आ जाएगा तो सब पे हमको चार्ज पता चल जाएगा कि नहीं बेटा, हर प्लेट पे चार्ज पता चल जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 हमारे यहाँ निकालना है बेटा, तो याद करो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे ना I1 I2 में। अब क्या करोगे, पहले इक्वेशन से Q1 का मान उठा के रख दो सेकंड में, तो Q2 Q3 बन जाएगा और ये भी Q2 Q3 में, तो क्या सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए बेटा, Q1 का मान उठा के अगर इसमें हम रखेंगे तो देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगी बेटा, तो बन जाएगा Q1 जब उठा के रखोगे तो आपका होगा Q2 प्लस 2Q3। ध्यान से देखिए बेटा क्या होगा बेटा, जब Q1 की वैल्यू उठा के रखोगे तो Q2 प्लस Q3, तो Q3 आपका 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं बेटा, बराबर 20। और सोचो यहाँ पर इक्वेशन क्या है बेटा, ये आपका है Q2 माइनस 2Q3 बराबर -8। दिख रहा है ना कितने अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, तो अगर दोनों को जोड़ोगे देखो ये कट जा रहा है बेटा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, जुड़ जा रहे हैं, तो 2Q2 बराबर कितना आएगा, 12 आ गया बेटा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या आएगी, क्या 6 माइक्रो कूलम आएगी कि नहीं बेटा,
चार्ज किस में होगा? माइक्रोकूलम में। तो Q2 की वैल्यू यहाँ से बेटा आ गई 6 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान अगर आ गया बेटा तो यहाँ उठा के हम रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा? Q3 का मान। तो इसके आगे मैं इधर आपको कर रहा हूँ बेटा, तो ध्यान से बताओ यहाँ से 2Q3 बराबर कितना आएगा बेटा? क्या Q2 प्लस 8 आएगा कि नहीं बेटा? देखिए बेटा थर्ड इक्वेशन में देखिए Q2 का मान निकालना होगा तो क्या होगा, 2Q3 को उधर ले जाओगे तो बताओ क्या आ जाएगा बेटा? Q2 प्लस 8 आएगा। तो ध्यान से बताओ Q2 की वैल्यू क्या है? 6, 8 से कितना गया 14, तो 2Q3 बराबर क्या 14 आ गया कि नहीं बेटा? तो Q3 का मान कितना होगा? 7 माइक्रो कूलम। कितना होगा? 7 माइक्रो कूलम। तो बताओ Q2 आपका आ गया 6 माइक्रो कूलम और ये आ गया 7, तो Q1 बराबर क्या होगा बेटा? क्या Q1 बराबर Q2 प्लस Q3? सेम बात वही, तो कितना होगा? 7, 6, 13 माइक्रो कूलम। दोनों को जोड़ देंगे बेटा, खत्म। तो क्या बताओ यहाँ से Q1, Q2, Q3 आ गया बेटा, तो सोचो हर प्लेट पर हमको चार्ज भी यहाँ से मिल गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इसको केवीएल केसीएल की मदद, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की मदद से इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक ओवर करते हैं हम इसको बेटा। ठीक है, तो अगर बेसिकली बोला जाए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखते हैं बेटा। ठीक है, तो आप जाके ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले बेटा सर्किट में, सब जगह आप इनको बेसिक जो पुराने आपके तरीके थे सेम वही हम थोड़ा एक बार रिकॉल किए हैं बेटा, तो इन सब का यूज़ करके आप सर्किट को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैप्चर वाले जितने भी सर्किट वाले प्रॉब्लम दिखे बेटा, सब उनको आप सॉल्व करिए बेटा। ठीक है, इसके आगे जो अगला लेक्चर होगा वो हम कल डालेंगे। ठीक है बेटा, तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कल का जो मेनली जो क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम की। इसी बात करेंगे बेटा, स्विचिंग प्रॉब्लम और आरसी सर्किट, स्विचिंग प्रॉब्लम और, ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हम क्या बात करेंगे, कैप्चर बिफोर स्टडी स्टेट वाली चर्चा हम करेंगे। तो कल की क्लास बेसिकली मेनली वही है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा।